धोनी चाय वाला के सामने फीकी पड़ गई भारत के इन महान हॉकी खिलाड़ियों की टीम। देखते रह गए लोग, जिन्होंने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को मेडल जिताया, वो डॉली चाय वाला जैसे एक छपरी के सामने कुछ भी नहीं। लोगों ने खिलाड़ियों की तरफ देखा तक नहीं और डॉली चाय वाला के साथ फोटो खिंचवाने को हो रहे थे बेताब। बाहरी देश की जनता, धन्य हो आप, सलाम है आपको जो भारत के महान खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया आपने। ऐसा करके गर्व से छाती चौड़ी हो गई होगी आपकी, क्योंकि आपने खिलाड़ियों को इग्नोर करके एक छपरी को सम्मान दे दिया। उन खिलाड़ियों को इग्नोर किया जिन्होंने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को मेडल जिताया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बता दें, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद 2021 में ओलंपिक पोडियम पर वापसी हासिल की थी। पिछले महीने पेरिस खेलों में भी यह कारनामा दोहराया, लेकिन उस टीम के कुछ सदस्य एयरपोर्ट पर उस समय शर्मिंदा हो गए जब फैंस ने उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया और इंटरनेट स्टार डॉली चायवाला के साथ सेल्फी लेने की कतार में खड़े हो गए। बता दें, भारत के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट पर इस घटना को याद करते हुए कहा कि इस पल ने उन्हें और उनके साथियों को शर्मिंदा कर दिया। भारत के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने कहा कि मैंने एयरपोर्ट पर यह सब अपनी आंखों से देखा। हरमनप्रीत सिंह, मैं, मनदीप सिंह, हम 5-6 लोग थे, डॉली चायवाला भी वहाँ था। लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे और हमें पहचान तक नहीं पा रहे थे, हम एक दूसरे को देखने लगे। बता दें, भारत ने पेरिस में स्पेन को हराकर टोक्यो में जीता ब्रॉन्ज मेडल बरकरार रखा था, जिससे भारत के गौरवशाली ओलंपिक हॉकी इतिहास में एक और पदक जुड़ गया। आपको पता होगा कि डॉली चायवाला अपने चाय बनाने के गजब अजब अंदाज से इंटरनेट पर पॉपुलर है। बेहद अनोखे अंदाज में चाय बनाने और परोसने की वजह से डॉली चायवाला को फैंस काफी पसंद करते हैं। डॉली चायवाला रातों रात स्टार बन गया तब जब उसने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स को चाय पिलाई थी। ये वाकया तब हुआ था जब बिल गेट्स इस साल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए भारत आए थे। बिल गेट्स जैसी हस्ती को चाय पिलाकर डॉली चायवाला ने खूब चर्चा बटोरी थी। वहीं हार्दिक ने कहा कि हरमनप्रीत ने 150 से अधिक गोल किए हैं, जबकि मनदीप ने 100 से अधिक गोल किए हैं। भारतीय कप्तान और डिफेंडर हरमनप्रीत ने अपने ज्यादातर गोल पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी घातक ड्रैग फ्लिक्स से किए हैं। फॉरवर्ड मनदीप एक असाधारण एथलीट है जिनकी ऑफ द बॉल रनिंग और विरोधियों के स्ट्राइंग सर्कल के अंदर जगह बनाने की आदत उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाती है। इस बीच हरमनप्रीत के करियर गोलों की संख्या लगभग 200 के पार पहुंच गई है। हार्दिक ने अब तक अपने 142 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने पर गर्व महसूस करते हुए कहा, एक एथलीट के लिए प्रसिद्धि और पैसा एक चीज है, लेकिन जब लोग आपको देख रहे हो और आपकी तारीफ कर रहे हो तो एथलीट के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तस्वीरें अलग ही थी, लोग बस डॉली चायवाला को देख रहे थे, खिलाड़ियों को तो लोग पहचान भी नहीं रहे थे। खैर, अब ये मामला चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट।